वेलकम टू एसएससी मैथमेटिक्स अड्डा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 15 मार्च 2018 यानी आज के सीएचएसएल में पूछे गए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन जो था वो ट्रिग्नोमेट्री से था, जिसमें उसने हमसे पूछा था कि एक मीनार थी और मीनार के शीर्ष से एक बिंदु को देखा जा रहा था और वो बिंदु कोण बना रहा था 30 डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का कोण दे रखा है। अब इस पॉइंट से 60 मीटर चलने पर, यहाँ से यहाँ तक 60-70 मीटर चलने पर जो था ना वो कोण चेंज हो गया। अब ये कोण टॉप से बना रहा है 60 डिग्री का कोण, तो हमें बतानी है इस बिल्डिंग की ऊंचाई क्या थी, ये एच निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने को ये दूरी 70 दे रखी है। फ्रेंड, एक मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से आप सुनेंगे। जब भी कोण 30 और 60 होना, तो जितनी दूरी 30 पॉइंट से 60 पॉइंट के बीच में होगी, ठीक उससे आधी दूरी 60 से बिल्डिंग के कोने तक होगी, मतलब इस एंड तक। जैसे अभी 30 से 60 तक की दूरी 70 है, तो 60 से लेकर 0 तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 35। ये इसका शॉर्टकट है, हमेशा इससे हाफ ही होता है जब एंगल 30 और 60 हो। कहने का मतलब ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 105 मीटर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा और अप्रोच होता है कि 30 के सामने अगर एक समकोण त्रिभुज है, तो 30 के सामने वाला जो कोण होगा ना, 30 एंगल के सामने वाली भुजा का जो योग होगा वो अगर x है, भुजा का जो माप होगा x होगा, तो 60 के विपरीत वाले जो ये 60 है ना, 60 के विपरीत वाला x रूट 3 होगा और 90 के विपरीत वाला 2x होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये 30 है तो ये तो 90 है ही, तो यानी कि ये 60 हो जाएगा, यानी कि 60 के विपरीत वाला आपने 105 दे रखा है, और 60 के विपरीत वाला एक्चुअल में होता क्या, x रूट 3, यानी कि x रूट 3 का मान 105 है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली x निकालना है, क्योंकि x किसके बराबर है, h के बराबर है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 105 बटे रूट 3, यानी कि 35 × 3/√3, तो इससे 3 कट जाएगा तो बच जाएगा 35√3, और यही इसका आंसर भी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन था वो हमसे पूछ रखा था, वो कह रहा था हमसे कि 12 आदमी या 24 बॉयज किसी काम को 66 दिन में कर सकते हैं। अपने को बीच में उसने या बोला है और नहीं बोला, यानी कि जो 12 आदमी जो है ना वो 24 लड़कों के बराबर काम करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा हुआ है था लास्ट में कि 15 मेन और 6 बॉयज मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, अपने को फ्रेंड दिख ही रहा है 12 आदमी 24 बॉयज के बराबर है, कहने का मतलब 1 man = 2 boy दिख ही रहा है, क्योंकि 12 आदमी या 24 लड़के 66 दिन में कर रहे हैं, कहने का मतलब एक आदमी की जो क्षमता है वो 2 बच्चों के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए 6 बच्चे दे रखे, तो 6 बच्चे कितने आदमी के बराबर हो जाएंगे, अगर 2 आदमी 1 के बराबर है तो 6 आदमी वो 6 बच्चे 3 के बराबर होंगे, 3 मैन के बराबर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 मैन। तो टोटल कितने मैन हो गए, 15 मैन पहले से थे, 3 और आ गए, तो ये हो जाएंगे 18 मैन। ठीक है, अब 12 आदमी काम कर सकते हैं 66 दिन में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 66 × 12/18, क्योंकि 12 आदमी का काम है 66 का, तो अपने को 18 का निकालना है। तो 6 × 12 = 18 और ये 22, तो 22 से 44 आंसर आ जाएगा, 44 डे आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा था, अलजेब्रा का क्वेश्चन था, उसमें हमसे बोल रखा था 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90। फ्रेंड, हम ये जो अपने को सीरीज दे रखी है ना, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 × 5 + 1/5/6 और ये कहाँ तक चल रहा है, 1/9 × 10। ठीक है ना, 4 × 5 = 20 और 9 × 10 = 90। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, हमें करना क्या पड़ेगा, हमें देखना है पहली संख्या कौन सी और आखिरी संख्या कौन सी है। पहली संख्या है इसमें 1/4 और आखिरी संख्या है 1/10, तो उन दोनों को माइनस कर देंगे,
यानी कि 1/4 माइनस 1/10, 1/10। अब इस पूरे को गुणा करेंगे, अब देखिए इन नंबर्स में डिफरेंस कितना है, एक का, तो खैर एक से ही जो भी इसका डिफरेंस होता है ना संख्याओं का, हम उससे गुणा कर देते, तो 1/1 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम इसका आ जाएगा 20, तो 4 × 5 = 20 माइनस 10 × 20, तो ये आ जाएगा 3/20, और यही इसका आंसर भी था। अब क्योंकि बाहर तो इसके एक ही है तो एक से कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, तो आंसर आ गया 3/20। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि यदि मूलधन अनुपात 5 साल का ब्याज, इन दोनों में अनुपात दे रखा था, मूलधन और 5 साल का जो अनुपात था वो था 10:3, तो अपने को दर बतानी है, दर, ठीक है। अगर हम इस 10 को 100 रुपये मान लें तो ये 3 हो जाएगा 30 रुपये। कहने का मतलब अगर हमारा मूलधन 100 रुपये था तो हमें 5 साल में कितना ब्याज मिला, 30 रुपये। अब 5 साल में 30 रुपये मिला है तो एक साल में कितना रुपये मिलेगा, 6 रुपये। कितने रुपए पे, 100 रुपये पे हमें एक साल में 6 रुपये मिला, तो यानी कि दर कितनी हो गई, 100 रुपये पे 6 रुपये, यानी कि 6% हमारा आंसर आ गया। क्योंकि परसेंटेज क्या होती है, 100 पे उसका भाग, 100 पे कितना रुपये आ रहा है, 6 रुपये आ रहा, तो आंसर 6% ही आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस से था। प्रॉफिट एंड लॉस में इसने क्या बोला था, किसी दुकानदार ने 10 रुपीज के 7 पेन खरीदे, ठीक है, खरीदे और 40% लाभ पर बेच दिए, लाभ पर बेचे, तो खरीदार ने 10 रुपीज के कितने पेन खरीदे होंगे, कितने पेन खरीदे होंगे, ठीक है। उसने 10 रुपये के 7 पेन खरीदे थे और 40% लाभ पर बेचा। कहने का मतलब अगर सामान 10 रुपये का था तो उसने 40% लाभ पर बेचा, यानी कि 14 रुपीज का बेचा, और 14 रुपीज से कितने बेचे, 7 पेन, 7 पेन बेचे, यानी कि 1 पेन कितने का बेचा होगा, 2 रुपीज का, 1 पेन 2 रुपये का है। तो दुकानदार ने कितने रुपये के पेन खरीदे, 10 रुपये के, अगर 1 पेन 2 रुपये का है तो 10 रुपये के कितने पेन आए होंगे, 5, और यही हमारा उत्तर भी था, यानी कि उसने 5 पेन खरीदे, ये इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, ये भी परसेंटेज से क्वेश्चन था, हमें बता रखा था कि किसी संख्या को 20% कम किया गया, ठीक है, फिर से उसको 20% बढ़ाया गया, तो जो नई संख्या बनी वो पहले से 20 कम है, 20 20 कम है, मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या, ठीक है, मूल संख्या बतानी है। ये जो नई संख्या थी वो 20 कम हो गई थी, अपने को पहले वाली संख्या बतानी है। फ्रेंड्स हम संख्या x मान लेते हैं, सॉरी 100 मान लेते हैं, अगर हम 100 को 20% कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 80। अब हम 80 को 20% बढ़ाएंगे तो 80 का 10% होता है 8, तो 20% हो जाएगा 16, यानी कि 80 में 16 जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। पहले हमारा जो संख्या थी वो 4 थी, मतलब 100 थी, अब वो कितनी हो गई है, 96, तो इसमें कितना अंतर आया, 4x का। मगर प्रश्न के आधार पे 4x का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, 20 दे रखा है 4x का मान, तो अपने को 100x का मान निकालना है। यदि 4x का मान 20 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 5, अपने को 100x का मान निकालना है, तो 100x का मान कितना होगा, 5 × 100 = 500, यही इसका उत्तर भी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, दो छात्र थे, उनकी वर्तमान आयु थी 2:3, वर्तमान आयु का अनुपात था 2:3, जो
बच्चा है वो दूसरे से 6 साल छोटा है, यानी कि जो जिसकी उम्र 2x है वो 3x से 6 साल छोटा होगा, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो हमें बताना है आज से 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना होगा 6 साल बाद बताना है अपने को। ठीक है, अपने को 6 साल बाद का अनुपात बताना है। ठीक है, अभी हमें दे रखा है जो 2x है वो 3x से 6 साल छोटा है, कहने का मतलब 3x से 2x कितना छोटा है, x छोटा है, और x का मान अपने को 6 दे रखा है, यानी कि 2x का मान कितना हो जाएगा 12, और 3x का मान हो जाएगा 18। अब 6 साल बाद, 6 साल बाद दोनों में 6 साल जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 6 18, और 18 6 24, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा 6 3 6 4, तो आंसर आ जाएगा 3:4। ये इसका उत्तर था, 3:4। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमसे अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ। किसी परीक्षा में 100 छात्र थे, 100 छात्र, और इनका औसत अंक था 58। ठीक है, इन 100 छात्रों का औसत अंक था 58, मगर बाद में पता चला कि एक छात्र के 86 मार्क्स थे, उसकी जगह 68 चढ़ गए। ठीक है, तो जो जब हम इस अंक को चेंज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तब नया नया जो उनका औसत होगा वो कितना हो जाएगा। हमारा जो छात्र था उसका मार्क्स 86 था, मगर उसकी जगह 68 चढ़ गए थे, यानी कि कितने कम हो गए, कितने कम चढ़े, तो 18 कम चढ़ गए, यानी कि अब 18 नंबर बढ़ जाएंगे, और ये 18 नंबर इन 100 बच्चों में भाग हो जाएंगे। 18 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो ये कितने इन 100 भागों में, 100 छात्रों में डिवाइड हो जाएंगे, तो 18/100 कितना होता है 0.18, यानी कि औसत 0.18 बढ़ जाएगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा 58+0.18 विच विल गिव अस द वैल्यू 58.18, और ये इसका उत्तर था। ठीक है, ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उसमें उसने हमसे कहा था कि 4000 से 5000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12, 18, 21 और 32 से भाग हो जाती हैं, भाग होती हैं। और वो जो संख्या है ना उसका हमें बताना था, वो संख्या कौन सी है जो भाग होती है, वो संख्या कौन सी है अपने को बताना है। 4000 से 5000 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 12, 18, 21 और 32 से भाग होती है। ठीक है, ऑप्शन हमें दे रखे थे 4023, 4032, 4302, 4203। हमें करना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें इन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब लघुत्तम निकालना पड़ेगा, तो 12 12 18 का एलसीएम कितना हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन ये देखना पड़ेगा 12 18 21 और 32, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 2 6 9 21 16, ये अगेन 2 से जाएगा, तो ये 2 से चला गया, आ जाएगा 3 9 21 8। अब ये 3 से चला जाएगा 3, तो 1 3 7 और 8। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब यही बच जाएगा हमारा, ये और ये। ओके, देख लेते हैं, 2 2 4 4 3 12, 2 2 3 6 6 7 7 42, 8 2 9 16, 6। ओके, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2016। अब देखिए फ्रेंड्स, इन सभी का हमने गुणा किया, गुणा करने पर आ रहा है 2016। ओके, अब देखिए जो भी आंसर होगा ना वो इससे भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा 4032, क्योंकि 2016 आ रहा है, अगर हम इसका डबल करेंगे तो 4032 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर भी है, क्योंकि यही संख्या है जो 4000 से 5000 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर था। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें,
ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय।